Millions of children deprived of their basic rights, forced into child labor. Aghosh Sialkot, a unique educational project for deserving orphans and needy. मौजूदा सदी में इल्म व तहकीक की दुनिया में मुनफरिद मकाम हासिल करने वाली शख्सियत शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की क़यादत में माशरे के महरूम और मजबूर तबकात की हर मुमकिन मदद के लिए मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन इंटरनेशनल अमली इकदामात कर रही है, जिसका दायरा कार दुनिया के 90 ममालिक तक फैला हुआ है। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के तहत ऐसे मंसूबाजात का आगाज किया गया जो इस वक्त दुनिया भर में इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए दिन रात अमली तौर पर काम कर रहे हैं। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन के जेरे एहतमाम 625 स्कूल्स, 100 के करीब कॉलेजेस और एक चार्टर्ड यूनिवर्सिटी मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर और यतीम बच्चों की तालीमी किफालत के मंसूबाजात शामिल हैं, जिनमें लाहौर में कायम 500 यतीम बच्चों के लिए आगोश और 500 यतीम बच्चियों के लिए बैतुज़ज़हरा सरे फहरिस्त हैं। अक्टूबर 2005 में पाकिस्तान में आने वाले शदीद जलजले में शहीद होने वाले हजारों अफराद के बेसहारा और यतीम बच्चों की किफालत और तालीम व तरबियत के लिए लाहौर में आगोश के नाम से एक अजीम प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी और 2008 में 500 बच्चों की रिहाइश के लिए 30 करोड़ रुपए की लागत से इस मंसूबे को मुकम्मल किया गया, जो अब एक बहुत बड़े तालीमी कॉम्प्लेक्स की शक्ल इख्तियार कर चुका है। इस मंसूबे को वसत देते हुए मुल्क के दीगर शहरों में भी आगोश मंसूबाजात का आगाज किया गया है। आगोश ग्रामर स्कूल सियालकोट भी इसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। इसका मकसद इलाकाई तौर पर माशरे के ऐसे बच्चे जो रजाए इलाही से अपने वालिदैन के साए से महरूम हो गए हैं या कम आमदनी वाले घरानों के बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करके माशरे का एक फाल शहरी और काबिल फख्र इंसान बनाना। आगोश सियालकोट की इंतजामिया आगोश एग्जेक्टिव काउंसिल की मंजिल है, जहां बच्चों की आला तालीम और तरबियत का एहतमाम करना, बच्चों की जहनी नफसियाती और रूहानी नश्वो नुमा और इर्तका के लिए मुआविन माहौल मुहैया करना है। यतीम और बेसहारा बच्चों को अदम तहफ्फुज की जहनी कैफियत से निकालना और बच्चों में दायमी मेहनत का जज्बा पैदा करना है। मैं आगोश ग्रामर स्कूल सियालकोट की तालिबे इल्म हूँ। यहाँ हमें बहुत से सहूलतें मैसर हैं। आगोश ग्रामर स्कूल में हमें बैग, बूट्स, कॉपीज, यूनिफॉर्म, शूज़,
आने जाने का सफर मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है। आगोश ग्रामर स्कूल की तरफ से मुझे एक वैन लेने आती है। मेरे बाबा फैक्ट्री में काम करते हैं। हम यह सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। स्कूल में हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। मेरा यह स्कूल मेरी तरबियत की आगोश है। देखिए मुझे उसूल इन के लिए मेरी हर जरूरत भी पूरी करता है। मुझे टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाती है। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। मुझे अपना स्कूल बहुत अच्छा लगता है। आगोश पहचान मेरी आगोश शान है। आगोश पहचान मेरी आगोश शान। इन आला मकासद के हुसूल के लिए 2016 में सियालकोट आगोश ग्रामर स्कूल का आगाज किया गया। इब्तिदा में 45 बच्चों के तालीमी अखराजात पूरा करने वाला ये प्रोजेक्ट 2024 में 160 बच्चों की तालीमी किफालत की जिम्मेदारियां बतरीके अहसन सर अंजाम दे रहा है। मेरा बेटा आगोश ग्रामर स्कूल सियालकोट में जीरो तीन है। मेरी दो बच्चियां ने ते दोनों ऐसे स्कूल च पढ़ती हैं। मैं दो बच्चे यहाँ पे एडमिशन करवा चुकी हूँ। अच्छे तरीके ना से पढ़ाई कराई जाती है। तमाम सहूलियत है स्कूल के विच मौजूद ने। मेरे माली मसाइल इतने ना थे कि अपने बच्चे की आले मुनिया के फ्री में दे सकूं। मुस्तहिक बच्चों वास्ते गरीब बच्चों वास्ते इतना बड़ा यानी कि प्रोग्राम शुरू किया है कि भाई बच्चों की तलीम के हसूल वास्ते मैं बहुत ही मजबूरी की हालत में इस स्कूल में आई। ये अदारा हमारे लिए काबिल एजाज है, मेरे बच्चों के लिए फखर का बायस है। स्कूल का मुझे काफी लेट पता चला। बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको इस स्कूल के बारे में नहीं पता। मैं शुक्रिया करता हूँ डॉक्टर तारू कादरी साहब का। इतनी बहुत अच्छी है, प्रिंसिपल बहुत अच्छे ने, सारा स्टाफ बहुत अच्छा है। आला पाक उन्होंने और मजीद तौफीक दे तो उन्होंने इन्हों का अजर। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने के बाद मैं अपने तहे दिल से तारू कादरी साहब का बहुत शुक्र अदा करती हूँ। आगोश वाकई ही आगोश है। आगोश ग्रामर स्कूल सियालकोट की कामयाबी का सेहरा इसके डोनर्स हजरात के सर है जो अपने जज्बे खिदमत खल्क से इस प्रोजेक्ट को रवा दवा रखे हुए हैं। आगोश ग्रामर स्कूल सियालकोट में जेरे तालीम तलबा को यूनिफॉर्म, बैग, स्कूल शूज, निसाबी कुतुब और दीगर स्टेशनरीज बिला मुआवजा फराहम की जाती हैं। आगोश एग्जेक्टिव काउंसिल को उन अफराद पर फख्र है जो रजाए इलाही की खातिर इन बच्चों की तालीमी किफालत की जिम्मेदारी सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर अदा कर रहे हैं। मुस्तकबिल में आगोश एग्जेक्टिव काउंसिल सियालकोट लाहौर की तर्ज पर आगोश कॉम्प्लेक्स की तामीर का इरादा रखती है जिसमें जदीद सहूलियात से आरास्ता एक बोर्डिंग स्कूल भी होगा। अल्लाह के फजलो करम से ये मंसूबा भी डोनर्स हजरात की मदद से पाए तकमील तक पहुंचेगा। आगोश ग्रामर स्कूल ऐसे मेमार तैयार कर रहा है जो इस्लाम की सरबुलंदी और मुल्क व कौम की तामीर व तरक्की में नहायत मुस्बत किरदार अदा करने की सलाहियतों के हामिल होंगे। आगोश एग्जेक्टिव काउंसिल अपील करती है कि डोनर्स हजरात माली कुर्बानियों का ये सिलसिला जारी रखें और आगोश के नए कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इसमें कोई शक नहीं है कि यतीम की कफालत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत और अल्लाह के हुजूर मगफरत का अहम जरिया है। आप भी अगर चाहें तो अपने माली तआवुन के जरिए इस कार्य खैर को अपना सकते हैं और पाकिस्तान के यतीम बच्चों को अपनी कफालत और गार्डियनशिप में ले सकते हैं। आओ अपनी अपनी शब तन्हाई की तंजीम करें, रोशनी बांट लें,
महताब को तकसीम करें।